अभी सबको बुलाता हूँ। गोली गोगी रोशन आंटी कोमल आंटी जल्दी बाहर आइए। टप्पू अभी सब लोग आ गए, अब तो बताओ कि क्या खुशखबरी है। हाँ टप्पू बता ना बाबा, कौन सी गुड न्यूज बताने वाला है तू? तो गुड न्यूज ये है कि सोनू ने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पूरे इंडिया में टॉप किया है। सोनू फर्स्ट आई है इंडिया में। क्या सोनू बेटा, तुम्हें खूब 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 बधाई है। बस ऐसे ही हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहना है। थैंक यू दादाजी, ये सब तो बड़ों के आशीर्वाद का नतीजा है। अरे नहीं नहीं बेटा, सिर्फ बड़ों के आशीर्वाद नहीं, तुम्हारी मेहनत का भी नतीजा है ये। थ्री चीयर्स फॉर सोनू। ऐसे कंपटीशन में पूरे इंडिया में टॉप आने के लिए लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू कोमल आंटी। अरे कर सोनू, कमाल कर रही तू। सोनू तू तो कॉलेज में छा जाएगी यार। ये खबर तो एकदम वायरल हो जाएगी। ओए यार सोनू, तू तो एकदम रॉकिंग है। एग्जाम टाइम पे मैं तेरा दिमाग चोरी करके ले जाऊंगा। अरे गोगी, उससे कुछ नहीं होगा। दिमाग चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए होगा, वो कहां से लाएगा? ए, सबको लड्डू खिला। एक मिनट, आई हैव टू थैंक यू स्पेशली। मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, मुझे सब्जेक्ट सजेस्ट करने के लिए और मेरा फॉर्म भरने के लिए, तुझे तो मैं अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। अरे भीड़े भाई, ये कहां से आ गया? क्या हुआ सुनो, टप्पू को लड्डू क्यों खिला रही हो? अरे बाबा आप भी लड्डू खाओ, मुंह मीठा कीजिए। अरे अभी खाया तो सही, लेकिन बता तो सही क्यों खिला रही हो? क्योंकि विधायक का एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ क्या खुशखबरी है? आओ, वो खुशखबरी बोल रहा है तो हसरा चेहरा रखिए ना तेरा। वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोनू लड्डू खिला रही है टप्पू को, टप्पू बोल रहा है खुशखबरी है, तो पता तो चले कि खुशखबरी एग्जैक्टली है क्या। बाबा बाबा, मैंने जो एसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था उसका आज रिजल्ट आया है और मैंने पूरे इंडिया में टॉप किया है। मतलब पूरे देश में टॉप किया तुमने? सोनू क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! वाह 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 सोनू बेटा। अरे सुना सुना, मेरी सोनू ने इंडिया में टॉप किया है। सोनू बेटा, I'm so proud of you. अरे टप्पू बेटा, तुम भी मीठा करो। मुझे पता था कि तुम्हें टैलेंट है, तुम जरूर नंबर में आओगी, लेकिन देश में टॉप किया सोनू ने हमारे। क्या बात है सोनू बेटा, ये तो जबरदस्त अचीवमेंट है, जबरदस्त। भेड़े भाई, माधवी भाभी, यू गाइस आर सो लकी कि आपको सोनू जैसी बेटी है। We are so proud of you, Sonu. Thank you. Oh, Anushka ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Sonu. Congrats. Thank you did so it. Much. Thank you so much. Thank you. Ma'am, आई बाबा को तो आप जानते ही हो। नमस्ते। और ये मेरी गोकुलधाम सोसाइटी की फैमिली है। हेलो, नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। और ये मेरी अनुष्का मैम है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। पता है आज तक हमारे कॉलेज में से इस कंपटीशन में किसी ने भी टॉप नहीं किया है। वाह, दैट्स सो कूल। सोनू इस कंपटीशन में टॉप करने वाली हमारे कॉलेज की फर्स्ट स्टूडेंट है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! मुझे पता था सोनू, तुम पूरे कॉलेज का सर शान से ऊंचा कर दोगी। थैंक यू मैम, ये सब तो आपकी गाइडेंस की वजह से ही हुआ है। हम सबको तुम पे बहुत गर्व है। थैंक यू। आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। ऐसी न्यूज है कि आप सब लोग सुन के खुशी के मारे उछल पड़ोगे।
अरे अर्जुन का क्या क्या न्यूज़ है मैम? बता दूं? या बताइए ना प्लीज प्लीज. इस टेस्ट में जिन लोगों ने टॉप किया है ऐसे स्टूडेंट के लिए एक खास वर्कशॉप आयोजित किया गया है, उसमें सोनू को भी हिस्सा लेना है. Wow, Sonu, that's so amazing. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा. सोनू ये बहुत ही प्रेस्टीजियस वर्कशॉप है, ओके? इसमें दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर आके तुम्हें पढ़ाएंगे. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. बस 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 मैम, आज एक ही दिन में इतनी सारी गुड न्यूज मिल गई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं. आप सब लोग बस सेलिब्रेट करो. सोनू इसमें वर्कशॉप की डिटेल्स है, ये लो. थैंक यू. आप लोग वर्कशॉप की डिटेल्स देख लीजिए और फिर मुझे कंफर्म कीजिए, बाकी सब इंतजाम मैं करवाती हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच अगेन मैम. थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया. एनीवेज मैं चलती हूँ, बाय एवरीवन. बाय मैडम. थैंक यू. सबसे पहले एक काम करते हैं, घर पे जाके बापा का आशीर्वाद लेते हैं, फिर हम जाके मिठाई लेके आएंगे सबके लिए. हाँ चलो आइए. ये सुरु बाड़ा, ये अरे तुमने जो किया है ना आज, इसे छाती गर्व से इसे चोरी हो गई है मेरी. ये गणपति बापा, आपके आशीर्वाद से सोनू ने पूरे देश में टॉप किया है, आपका बहुत 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 धन्यवाद. चलो मैं जरा मस्त बेकी फ्रेश होके नया कुर्ता पहनता हूँ, फिर मिठाई लेके आते हैं और फिर सबके घर देने चलते हैं. हाँ मैं भी तो अब तक किचन का काम निपटा लेती हूँ. और मैं भी ये वर्कशॉप की डिटेल्स पढ़ लेती हूँ. हाँ देख लेना, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर अनुषा मैम को फोन करके कंफर्म कर देंगे. ओह गॉड, वर्कशॉप तो 30 दिन का है और वो भी दिल्ली में. बाबा मानेंगे? अगर सोनू मिका बंटे, तू भी चलना हमारे साथ मिठाई लेने. क्या हुआ, तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? अनुष्का मैम का ये लेटर मैंने पढ़ा. हाँ तो वर्कशॉप दिल्ली में है. तो उसमें क्या है, तेरे बाबा आएंगे ना तेरे साथ वर्कशॉप के लिए. पर आई वर्कशॉप 1 महीने का है. अगर भाई 1 महीना, इतने दिन दिल्ली में अकेली रहेगी? पर आई ये वर्कशॉप इतने हाई लेवल का है, इतने दिन तो लगेंगे ही ना, और अरेंजमेंट भी सारी अच्छी ही होगी. ये हो बरोबर है, पर तेरे बाबा. बाबा को आपको ही मनाना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता सोनू तेरे पापा मानेंगे. मानेंगे, अगर तुम बोलोगी तो पक्का मान जाएंगे. प्लीज आई, प्लीज मेरा जाने का बहुत मन है. नहीं नहीं सोनू, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे. मैं उनको जानती हूँ, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा. वो तुझे अपनी आंखों से दूर देख ही नहीं सकते कभी. अरे मैं रेडी हूँ, क्या बातें हो रही है, बोलो. चला, चला, चला. बाबा मुझे आपसे बात करनी है, आइए ना जरा. अरे बैठे बैठे. अरे तू वर्दी बसता नहीं, एक सवाल का जवाब दोगे आप? बोलो. पूरे देश में टॉप करना बड़ा अचीवमेंट है ना? अरे बहुत क्या, बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है सोनू. तो इस अचीवमेंट के बदले मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अरे मंजेगा बिल्कुल, जो चाहे वो मांग लो. बोलो क्या चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया बैग चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, अब भी जाके लेके आते हैं, बोलो. नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए. तो क्या चाहिए बोलो. बाबा. अरे इतना हिचकिचा क्यों रही है, बोलो सोनू बेटा. बाबा वो जो वर्कशॉप होने वाला है ना, वो मुझे अटेंड करना है. तू इस पे पूछने वाली क्या बात है सोनू, अटेंड करना ही चाहिए. अरे तुमने पूरे देश में टॉप किया है, वहाँ पे जीनियस प्रोफेसर आएंगे, तुम्हारी सोच को नई दिशा मिल सकती है सोनू, बिल्कुल अटेंड करो.
अनुष्का मैम ने जो लेटर दिया है ना, ये पढ़ा मैंने। हाँ तो? वर्कशॉप ना दिल्ली में है। अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, दिल्ली तो है। माधवी किस बहाने हम लोग भी दिल्ली घुमाएंगे, लाल किला, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन सब घुमाएंगे हम लोग। हाँ बाबा वर्कशॉप थोड़ा लंबा है। अरे कितना लंबा है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन। एक काम करना माधवी, कपड़े थोड़े ज्यादा भरना, हम लोग लगे हाथ आगरा भी देख के आएंगे, ताजमहल मस्त पैकी। बाबा वर्कशॉप एक्चुअली 30 दिन का है। 30 दिन का? बाबा मैं आपसे यही मांगना चाहती थी, मुझे ये वर्कशॉप में जाना है, प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। लेकिन सुनो बेटा, माधवी 30 दिन का वर्कशॉप, 1 महीने का वर्कशॉप? हाँ जानती हूँ, उसका जाने का बहुत मन है, जाने दीजिए ना। नहीं सोनू, मैं परमिशन नहीं दे सकता। बाबा नहीं सोनू बेटा, तुम मना कर दो, तुम इस वर्कशॉप पे नहीं जाओगे। प्लीज बाबा। सोनू बेटा 30 दिन तक घर से दूर रहना, अकेले, वो भी अनजान शहर में, नहीं मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। प्लीज बाबा, ये कितना अच्छा वर्कशॉप है, सारी बेस्ट फैसिलिटीज होंगी, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ आहो, दे दीजिए ना परमिशन। पर क्या परमिशन दे दीजिए माधवी, क्या बोल रही हो तुम, 30 दिन का वर्कशॉप है, 2 या 3 दिन का नहीं है, हफ्ते भर का भी तो भी बात समझ में आती थी, लेकिन 30 दिन का वर्कशॉप, वो भी अनजाने शहर में, कैसे अकेले? नहीं नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। बाबा प्लीज बाबा। सुनो अभी मैं प्लीज बोलता हूँ, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, ठीक है? देखो तुमने आज पूरे देश में टॉप किया है, बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश है, मैं ये खुशी बिगाड़ना नहीं चाहता बेटा। अहो लेकिन एक बार माधवी, मैंने बोला ना मुझे इस विषय पे कोई बात नहीं करनी है, मेरा निर्णय फाइनल है, सोनू वर्कशॉप पे नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, एंड नो मोर डिस्कशन प्लीज। मैं अंदर जाके थैले लेके आता हूँ, फिर मैं मिठाई लेके आता हूँ। तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? सॉरी बड़ा, मेरे पति को समझाना होता ना तो मैं समझा देती, मैं परमिशन भी ले लेती, लेकिन वो तुम्हारे बाबा है सोनू, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं वो। सॉरी बड़ा, सॉरी। चलो माधवी, सुनो बड़ा, तुम भी चलो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, आप दोनों जाके आओ। ठीक है चल। अनुष्का मैम को फोन करके ना ही बोल देती हूँ। सोनू 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 जल्दी टप्पू के घर चल, हम लोग सब प्रिंट बुक पर लाइव जा रहे हैं। चल 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 चल। अरे पर अरे चल ना सोनू, क्या टाइम पास कर रही, जल्दी जल्दी चल जल्दी। अरे क्या, चल 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 चल, मजा आ जाएगा। आपका अपना दोस्त टप्पू, और मैं हूँ गोली, और मैं हूँ काकी। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग ढोल ढोल बजा कर इतनी धमाल मस्ती क्यों कर रहे हैं। अरे दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है। दोस्तों हमारी फ्रेंड सोनू ने कॉलेज में एक ऐसा काम किया जो आज तक कॉलेज में किसी ने नहीं किया। एग्जैक्टली, सोनू ने ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में पूरे देश में टॉप किया। जानते हैं सोनू से कि उसका क्या कहना है। चलो बजाओ। सोनू आपका क्या कहना है? क्या कहना है आपका? बंद करो ये सब। अरे क्या हुआ सोनू, तूने बंद क्यों कर दिया? नहीं हैप्पी न्यूज़ है, तू ऐसा क्यों कर रही है सोनू? हाँ सोनू क्यों हो गया, सब ठीक तो है ना? बंद करो ये सब। अरे क्या हुआ सोनू, तूने बंद क्यों कर दिया? नहीं हैप्पी न्यूज़ है, तू ऐसा क्यों कर रही है सोनू? हाँ सोनू क्यों हो गया, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। सोनू तो टप्पू के सामने झूठ बोल रही है, टप्पू 1 सेकंड में झूठ पकड़ लेता है। हाँ सोनू बता दे,
तो खुश क्यों नहीं दिख रही है? फ्रेंड्स, तुम लोगों ने सुना ना आज अनुष्का मैम ने क्या कहा? इस कंपटीशन के सारे टॉपर्स को वर्कशॉप में जाना है। मुझे भी वो वर्कशॉप में जाना है। ओए, मुझे ऐसा मौका मिला होता तो मैं तो अभी तक खुशी के मारे बल्ले बल्ले करके नाच रहा होता, और तू ऐसे मुंह लटकाए हुए खड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि वर्कशॉप दिल्ली में है और एक महीने का है, और बाबा नहीं चाहते कि मैं एक महीने के लिए घर से दूर रहूं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। यार सुनो, तू तो जाना चाहती ना वर्कशॉप में। हाँ तो ठीक है ना, अभी चलते हैं बीड़ा अंकल को मनाते। हाँ चलो। कोई फायदा नहीं है, मैंने और आई ने बहुत कोशिश की पर बाबा नहीं मान रहे। उन्होंने आई को भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी, और उनका ये फाइनल डिसीजन है, और वो बोल रहे हैं कि अब वो इस बारे में बात भी नहीं करेंगे। फिर तो गेम ओवर। हाँ, अगर भिड़े अंकल ने डिसाइड कर लिया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हिमालय अपनी जगह बदल सकता है पर बाबा अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। अरे यार सोनू, तुझे वर्कशॉप में जाने का कितना बड़ा मौका मिला है, ऐसा मौका लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है। नहीं नहीं यार, नहीं टप्पू, हम ऐसा नहीं होने दे सकते यार। तुझे कैसे भी करके भीड़ अंकल को मनाना पड़ेगा यार। यार भीड़ अंकल को मनाने के लिए कोई सॉलिड आइडिया चाहिए, वरना सोनू की ट्रिप तो कैंसिल। कुछ सोच यार टप्पू, कुछ सोच प्लीज यार। Forget it, friends. अब सोचने का कोई मतलब नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। सोनू तो किसको फोन कर रही है? अनुष्का मैम को। उनको फोन करके बोल देती हूँ कि मैं दिल्ली नहीं आ सकती। अरे सोनू थोड़ी देर तो रुक जा। खोगी, रुकने का कोई फायदा नहीं है, बाबा नहीं मानेंगे। मैं उनको फोन करके मना कर देती हूँ। हेलो। हेलो अनुष्का मैम, मैं सोनू। हाय सोनू, तुम्हारा वर्कशॉप में जाने का डिसाइड हो गया ना? हाँ, एक्चुअली मैम मुझे उसी बारे में बात करनी थी। क्या हुआ सोनू, बोलो। एक्चुअली मैम वर्कशॉप। हेलो, हाय मैम, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। सोनू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ऑल ओके ना? हाँ वो क्या ना मैम, सोनू खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही है। सो क्यूट, लेकिन दिल्ली वर्कशॉप के लिए जाने का क्या डिसीजन हुआ, जा रही है ना वो? हाँ हाँ मैम, सोनू दिल्ली वर्कशॉप में जा रही है, मतलब पक्का जा रही है। क्या कर रहा है? तो मैं बुकिंग्स वगैरह करने के लिए बोल दूँ ना? हाँ हाँ मैम, आप सारी बुकिंग्स करवा दीजिए। टप्पू बाबा नहीं मानेंगे। सोनू तू रुकना, एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ मैम, सोनू आ रही है, मतलब पक्का आ रही है। तो फिर सोनू को बोलना पैकिंग वगैरह शुरू कर दे। हाँ हाँ ठीक है मैम, मैं पक्का बोल दूंगा उसे। ठीक है चलो, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय, यू टू। बोल दिया। मित्रों, सोनू हमारी बड़ी ही होनहार है, किसी भी चुनौती के लिए सदैव तैयार है। इस बार वर्कशॉप में जाने के लिए बेकरार है, लेकिन उसके लिए भिड़े का इनकार है। इतने दिनों तक बेटी को अकेले भेजते हुए भिड़े को लग रहा है डर। भिड़े कह रहे हैं बेटी जो भी करना है हमारी आंखों के सामने ही कर, लेकिन टप्पू ने सदैव भिड़े के मंसूबे पर पानी डाला है, और लगता है इस बार टप्पू ने कोई नया आइडिया निकाला है। तो क्या होगा वो आइडिया, और क्या वो भिड़े को ये समझाने में कामयाब हो पाएगा कि सोनू को भेजना बड़ा जरूरी है? क्या होता है इस आइडिया का अश्व, और क्या करता है टप्पू? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।